हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ER.Himanshu. तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, वन प्लस स्मार्टफोन के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज निकल कर आ रहे हैं. नए नए OTA अपडेट आपको देखने को मिल रहे हैं और गाइस उसके अंदर हमें काफी ज्यादा इश्यूज, नए नए तरह के इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं. तो गाइस, ऐसे में एक सीरीज है वन प्लस नोट C3 Lite, जो कि एक लेटेस्ट सीरीज है गाइस. और उसके अंदर एक नया अपडेट आया था ऑक्सीजन OS 13.1 का, और उसके बाद एक इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है गाइस. वो इश्यूज क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में देने वाला हूँ. ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ. तो गाइस, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि वन प्लस नोट C3 Lite के अंदर ऑक्सीजन OS 13.1 का जो अपडेट है वो आ चुका है. और गाइस, अभी मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ भाई, आपको दिख रहा होगा इस तरह का जो इश्यूज. आप लोग क्या कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं तो एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का एक बनकर आ रहा है आपके सेंटर में, और कभी उसका पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रहा है. तो गाइस, ये एक इश्यूज है और इसका आप लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं. काफी ज्यादा आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका क्या सॉल्यूशन है. तो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाए. तो भाई, ये क्या इश्यूज है मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखा देता हूँ. देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स में लेके जाता हूँ, और सेटिंग्स में ले जाने के बाद गाइस यहाँ पर अबाउट सेक्शन में दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो मोबाइल है वो है ऑक्सीजन OS 13.1, और मोबाइल डिवाइस है जो वन प्लस नोट C3 Lite. गाइस, ऐसे ही हम चले जाते हैं सीधे कैमरे के अंदर, और कैमरे में जाकर गाइस हम यहाँ पर एक फोटो को क्लिक कर लेते हैं. एक फोटो जैसे ही हम क्लिक करते हैं गाइस, आप लोगों ने देखा कि हमारा जो कैमरा है, कैमरे में फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर चौकोर बॉक्स यहाँ पर बनकर आ रहा है गाइस. लेकिन ये इसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए, कैसे हम बन सकते हैं. तो भाई, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जिस अपडेट में है अभी, जिस OTA अपडेट में है, उसके अंदर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. उसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि भाई, आपको जाना है कैमरे के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है वाटर मार्क में, और वाटर मार्क आपको वहां पर डिसेबल कर देना है. जैसे आप डिसेबल कर देंगे तो भाई, वो जो इश्यूज आ रहा था वो आपका इश्यूज वहां से हट चुका है. देख लीजिए, मैंने यहाँ पर वीडियो लगा रखी है. आप जैसे फोटो क्लिक करेंगे, फोटो क्लिक के बाद आप फोटो को चेक करेंगे तो वो जो इश्यूज था वो यहाँ से हट चुका है. तो गाइस, ये इसका एक सॉल्यूशन है. बाकी आप लोग बोले कि वाटरमार्क में क्या होगा, जब वो सेंटर में आ रहा था, जब आप वाटरमार्क को ऑफ करके ऑन करेंगे तो वाटरमार्क के पास पहुंच जाएगा वो इश्यूज, जैसे कि अभी आपको दिख रहा था यहाँ पर, मैंने वीडियो में दिखाया. तो गाइस, ये इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि आपको वाटरमार्क का जो है ऑप्शन, उसको डिसेबल करना होगा कुछ दिनों के लिए, जब तक न्यू OTA अपडेट नहीं आ जाता. लेकिन गाइस, ये जो सॉल्यूशन है आपको खुद करना होगा. जिन लोगों को, जिन यूजर्स को ये इसका इश्यूज आ रहा है, उसको जाकर रिपोर्ट करना है *800# पर. और गाइस, आपको ज्यादा ज्यादा रिपोर्ट करना है, जिससे ये जो इश्यूज आ रहा है वन प्लस नोट C3 Lite के अंदर, ये इश्यू रिजॉल्व हो जाए नेक्स्ट OTA अपडेट में. तो गाइस, होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही वन प्लस रिलेटेड अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक वीडियोज में आपके लिए लाता रहता हूँ. गाइस, मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय.